गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। शुरू करें बेटा, बच्चे फिर से कम हैं, आधे बच्चे गायब हो गए मेरे टोकने के बाद भी, आधे बच्चे गायब हैं। सर आई हैव डन होमवर्क ऑल्सो। गुड वेरी नाइस, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। थैंक यू सर। हाउ आर यू बेटा? फाइन सर। वेरी गुड गुड सर। आफ्टरनून सेवेंथ, सर। गुड आफ्टरनून। सेवेंथ ए एक्सरसाइज, वी आर ऑन क्वेश्चन 16। एम आई राइट? यस एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 16। थ्री एक्स माइनस वन होल अपॉन फाइव माइनस एक्स अपॉन सेवन इक्वल्स टू थ्री। देखो बेटा, RHS में कहीं एक्स दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। LHS में x दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, यानी कि बोथ द टर्म्स विच आर हैविंग x आर ऑलरेडी इन LHS, यानी कि इधर उधर कुछ नहीं भगाना है फिलहाल, अभी तक तो नहीं भगाना है। लेट्स टेक LCM एंड सबट्रैक्ट द टू टर्म्स 5 एंड 7। LCM इज 35। 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7। 7 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 इंटू 3x माइनस 1, ऐसे लिख दो। ठीक है, कहां से आया ये 7? 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7, फिर 7 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आता है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं। सर ओके, 35 डिवाइडेड बाय 7, 5, 5 इनटू एक्स, 5x। ठीक है, 3। नाउ न्यूमरेटर को जरा सिंपलीफाई कर लो, 7 इनटू 3x 21x, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 माइनस 5x होल अपॉन 35 इक्वल्स टू 3। लाइक टर्म्स को ढूंढो, 21x माइनस 5x, दोनों लाइक हैं, दोनों में x है, 21x और 5x माइनस हो जाएंगे 16x। 16x माइनस 7 होल अपॉन 35 इज इक्वल टू 3। ये 35 RHS में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 16x माइनस 7 इक्वल्स टू 3 इंटू 35। 16x 3 इंटू 35 105, माइनस 7 RHS में गया प्लस 7 हो गया, 16x इक्वल्स टू 112। x इक्वल्स टू 112 अपॉन 16, व्हाट डू यू गेट? 112 अपॉन 16 7, एम आई राइट? एक्स इक्वल टू 7, गॉट इट? सर। प्लीज नोट डाउन। सर सर कैन यू जस्ट सर प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट मेथड। सॉरी, राइट जस्ट द लास्ट मेथड दैट यू हैव डन आफ्टर दैट लाइन। लास्ट स्टेप, यस सर। 16x इक्वल टू 112। नाउ 16 इज इन मल्टीप्लाई विद x, सो 16 व्हेन गोज टू RHS इट विल गो इन डिवाइड, सो 112 डिवाइडेड बाय 16 इज 7। ओके सर। थैंक यू। Bla has not joined. Who else was there and now is not there in the meeting? ऐसे कौन से बच्चे हैं?
चलें आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन 17। टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री अपॉन टेन इंटू फाइव एक्स माइनस बारह। ये देखो बेटा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में टेन है, थ्री अपॉन टेन लगा हुआ है, ये तो थ्री को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहने दीजिए, डिनोमिनेटर में जो टेन है उसको एलएचएस में ले जाइए। अब डिनोमिनेटर में था टेन, तो जब एलएचएस में जाएगा न्यूमिनेटर में भाग जाएगा, तो टू एक्स माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन, आरएचएस से गायब हो गया टेन, देखो गायब हो गया। आया समझ में? क्या करा सबसे पहले, सबसे पहले टेन को यहां से एलएचएस में भगा दिया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, होल के साथ डिवाइड में था टेन, चला गया। टेन इंटू टू एक्स ट्वेंटी एक्स, टेन इंटू माइनस थ्री माइनस थर्टी, थ्री इंटू फाइव एक्स फिफ्टीन एक्स, थ्री इंटू माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टी सिक्स, ट्वेंटी एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स इक्वल्स टू माइनस थर्टी सिक्स, ये माइनस थर्टी आर एच एस में जाके एड हो जाएगा प्लस थर्टी, फिफ्टीन ट्वेंटी एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स इज फाइव एक्स, माइनस थर्टी सिक्स प्लस थर्टी इज इक्वल टू माइनस सिक्स, एक्स इक्वल्स टू माइनस सिक्स अपॉन फाइव। आंसर any doubt? No sir. Okay, so you all will now try question 18. अपने आप try करिए, कुछ question अपने आप करेंगे, or if you get the answer correctly your confidence will definitely increase. अगर ऐसा भी होता है कि कुछ step आपका एक आध step गड़बड़ हो जाता है, बाकी steps तो सही होंगे, then also you will find an increase in your confidence. I am talking about question 18. करिए question 18. उत्कर्ष, अभिषेक, आशिका, अविरल, आयुषी, कौस्तुभ, मेधांश, ऋषभ जैन, सौम्या, जहरा। सेवेंथ ए के दो बच्चे हैं, उत्कर्ष एंड अभिषेक एंड आशिका, तीन बच्चे हैं, am I right? सर, यस सर। आयुषी ऑल्सो फोर ए सेक्शन, अविरल इज फ्रॉम सी सेक्शन, कौस्तुभ इज फ्रॉम सी सेक्शन एंड ऋषभ जैन इज ऑल्सो फ्रॉम सी सेक्शन, राइट? यस सर। एंड फ्रॉम बी सेक्शन जहरा, सौम्या एंड मेधांश, ठीक है। नो सर। You know, sir, I am from 7th C. Sir, Medhanj is not in 7th B. Medhanj, Tamar, you are from 7th C. Okay. ठीक है बेटा। तो C section के चार बच्चे हैं, A के चार हैं and B के दो हैं, ठीक है। Done. Question 18. वेरी गुड, सारे बच्चे कर लेते हैं, एक मिनट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सर डन। वेरी गुड,
यस बेटा हो गया सबका। यस सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या आंसर है बेटा बताओ, व्हाट इज योर आंसर? सर वाई इक्वल्स टू 10। वाई इक्वल्स टू 10। अच्छा और बताइए, अभिषेक, आशिका और किसने कर लिया? अविरल, ऋषभ जैन, आशिका, व्हाट इज योर आंसर? कोई बात नहीं, गलत भी है। अगर आपको लगता है कि हमारा आंसर गलत है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। रॉन्ग आंसर निकालना इज अ वेरी गुड थिंग। इसका मतलब यह है कि आपने क्वेश्चन करा, एटलीस्ट यू ट्राइड। मैं तो कहता हूँ योर आंसर इज 14। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगर गलत भी है तब भी वेरी गुड। आशिका, आयुषी, कौस्तु, मेदांश, अविरल, अविरल चलेगा, अविरल का नाम जैसे लो चला जाता है बेचारा। वाई इज इक्वल टू 10। वाई इक्वल टू 10, ओके। सौम्या, जहरा, सर 10। आंसर बताओ बेटा, 10। सौम्या का आंसर 10 है। जहरा इज गेटिंग 11, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 18, अभी तक पता नहीं है कि कौन सा आंसर सही है। लेट्स सी, y माइनस 1 अपॉन 3, 12 भी आ गया, 10, 11, 12, 14, अब तक चार आंसर आ चुके हैं। y माइनस 2 अपॉन 4 equals to 1, LCM 12 divided by 3, 4, 4 into numerator, 4 into y minus 1, ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। सर माय आंसर इज 10 आया। योर आंसर इज 10। यस सर, देयर वाज अ मिसप्रिंट ऑफ 6, आई राइट देयर। ओके, नो प्रॉब्लम। 12 divided by 4 is again 3, 3 into y minus 2, numerator से multiply कर देते हैं, 3 into y minus 2 equals 1, okay, now solve the numerator, 4y minus 4, minus 3 into y, minus 3y, माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, ये हमेशा याद रखना बेटा, बाहर माइनस है तो उसको रेस्पेक्ट देनी है। माइनस कहता है कि मुझे रेस्पेक्ट दो। 4y माइनस 3y इज y, माइनस 4 प्लस 6 इज प्लस 2, 12 होल अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, ये 12 अब चला जाएगा RHS में। y plus 2 is equal to 1 into 12, which is equal to 12 only. 1 से multiply हो गया 12. y equals to 12 minus 2,
therefore y equals to 10. Clear or not? 10 is the answer. लेंदी है बेटा क्वेश्चन बहुत छोटा ही है और छोटा कर दें ये लो और छोटा होगा यस अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू यस सर यस सर ओके We are doing almost all the questions till now. I want you all to be very good in solving equations. अगर जिस बच्चे को equation solve करना आती है, उसे आधी maths उसकी खत्म हो गई। Maths में और क्या है? सिर्फ equations ही solve करनी है हर जगह। और है ही क्या ज़िंदगी में? सिर्फ equations ही solve करनी है बस। Life में भी यही करना है। Solve the equations. ओके क्वेश्चन नंबर 19 बड़ी गहरी बात बोल दी मैंने क्वेश्चन नंबर 19 x माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 3 नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 19 एक्स माइनस 2 अपॉन 4 मैं बेटा आपको हिंट दे रहा हूं कि शुरुआत कहां से करनी करेंगे आप लोग फिर से मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया इसी बात का बहुत अच्छा लगा और उससे भी अच्छी बात ये लगी कि कुछ बच्चों ने आंसर सही भी दिया ये तो बहुत ही कमाल हो गया सो इफ यू कीप ऑन ट्राइंग इवन इफ योर आंसर इज रॉन्ग Slowly you are going to learn and you will be able to find correct answers in all the questions. So this is the question. X minus 2 upon 4. ये जो term है पूरी की पूरी. इसमें x है. अच्छा जी दोनों terms में x है. कमाल हो गया. आप दो काम कर सकते हैं. बहुत से तरीके हैं question को approach करने के. तो हम ऐसा करते हैं. पहले LHS में ही दोनों terms में LCM ले देते हैं. ये नहीं क्लियर करेंगे 4 और 3 का एलसीएम 12 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3 3 इनटू x माइनस 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4 4 इनटू 1 इज 4 इक्वल्स टू आरएचएस में देखो यहां पर x का डिनोमिनेटर क्या है बेटा 1 तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1 एंड 3 वैसे आरएचएस में भी एलसीएम ले लिया 3 इज द एलसीएम 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3 3 इनटू x 3x Minus 3 divided by 3 is 1. And 1 into 2x minus 1. Yes, we will write it. Okay? Any doubt? 3 divided by 3 is 1. 1 into numerator, yani ki 2x. 1 into 2x minus 1. Okay? Koi cheez aisi jo nahi samajh mein aayi, bachon. First step. आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा ओके आगे बढ़ते हैं सो 3 इनटू x 3x माइनस 3 इनटू 2 6 प्लस 4 होल अपॉन 12 RHS 3x माइनस 1 इनटू 2 माइनस 2x माइनस 1 इनटू माइनस 1 प्लस 1 whole upon 3 3x minus 6 plus 4 minus 2 upon 12 equals to 3x minus 2x is equal to x plus 1 upon 3 cross multiply अब इसके आगे क्या कर सकते हैं सिर्फ cross multiply कर सकते हैं और क्या करेंगे ये वाला 3 यहां पर multiply हो जाएगा एंड ये वाला 12 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है तो 3 इनटू 3x माइनस 2 एंड 12 इनटू x प्लस 1
आप लोग सॉल्व करिए इसके आगे, सारा मुश्किल काम मैंने कर दिया। चलो करो। Everyone try question number 20 also. After this we will be checking the answers of both the questions together. Karo try beta, main bhi aata hu bas ek minute. Try the question 20th.
Yes, beta. Have you all done both the questions, 19 and 20? Answer, batao mujhe 19 ka bachcho. Sir, but just about to finish the 20. Tell me the answer of 19. 3 into 3x, 9x. Bolo beta, answer bolo. Maine hi bataya na. हाँ जी बेटा, आंसर बताओ 19th का. वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों का. 19th का तो बता दो कम से कम. उत्कर्ष, अभिषेक, कौस्तुभ, मेधांत, मुबाशिरा. मुबाशिरा इज फ्रॉम फोर्थ क्लास. बेटा मुबाशिरा आपकी क्लास 2 मिनट बाद स्टार्ट होगी. आई थिंक इट कैन बी 20. Can it be 20? Let's see. 9x. 5 or 6. 3 into minus 2 minus 6. 12x plus 12. 9x minus 12x equals to 12 plus 6. 6 plus जाके add होगा. 12x इधर आके minus होगा. माइनस 3x इक्वल टू 12 प्लस 6 इज 18. तो x इक्वल टू, अब यहां पर माइनस 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है. x के साथ देखना है क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है माइनस 3 की. तो माइनस 3 जब RHS में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा. आई बात समझ में? साइन चेंज होगा बिकॉज माइनस से प्लस में लेके नहीं जा रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड में लेके जा रहे हैं. So x equals to 18 divided by minus 3 is minus 6. Answer. Clear or not? Yes, sir. Okay.